Shri Sharad Pawar ji. Sabhapati ji. Aur jo desh ke samne sukhe ki paristhiti paida ho rahi hai, iski chinta puri deshvasiyon ko hai. Jairam Ramesh ji ne jo monsoon ke bare mein yahan information de di, वो एक तरह की चिंताजनक इन्फॉर्मेशन है. उन्होंने कहा कि जून महीने में जब मानसून की शुरुआत होती है, उसी 30 दिन में इस देश में 43% माइनस मानसून है. 7 जून से 7 जुलाई तक जो स्थिति देखी, इस काल में 42% डिफिसिट है और इसका डायरेक्ट असर होता है सोइंग ऑपरेशन पर, बुआई पर. मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की. जनरली पिछले कई सालों के आपने आंकड़े देखे तो इस महीने में कल की तारीख तक अपने देश में 24 दशलक्ष हेक्टर में सोइंग ऑपरेशन का काम पूरा होता है. मैं राज्य सरकार से जो इन्फॉर्मेशन मिली, इससे एक बात साफ हो गई कि इस साल एज अगेंस्ट 24 मिलियन 17.5 मिलियन हेक्टर में सोइंग ऑपरेशन पूरा हुआ है. यही परिस्थिति कंटिन्यू रहेगी तो शायद धान के फसल पर, को सीरियल पर, पल्सेस पर, ऑयल सीड पर कुछ न कुछ बुरा असर होने की संभावना हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. इस समय ये जो परिस्थिति पैदा हो गई, ये कई राज्यों में परिस्थिति पैदा हुई है. अपने देश में कहीं ना कहीं जिलों में या कहीं ना कहीं राज्यों में हर साल सूखे की परिस्थिति पैदा होती है. मगर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, इससे वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटक, तेलंगाना और कुछ एरियाज में पानी की कमी की समस्या लोगों के सामने आई है. मेरे पास हर राज्य के जो रिजर्व आए हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, इनके आज के पानी की स्थिति क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है. मैंने मेरे खुद के राज्य में क्या स्थिति है वो देखने के लिए प्रयास किए. इससे एक बात साबित होती है कि इससे पहले इतनी बुरी परिस्थिति पानी की जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसमें कभी नहीं थी. महाराष्ट्र की जहाँ तक बात है, वहाँ कुछ रीजन है, मराठवाड़ा रीजन जो औरंगाबाद रीजन बोलते हैं, वंस अपॉन टाइम इट वॉज अ पार्ट ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद, दूसरा नागपुर रीजन, वंस अपॉन टाइम इट्स अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश सीपीएम बैराग, थर्डली अमरावती रीजन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ विदर्भ, नासिक रीजन इट्स अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न महाराष्ट्र, पूना रीजन विच कम्स अंडर द वेस्टर्न महाराष्ट्र. वहाँ की क्या स्थिति दिखाई दी थी? पूना रीजन में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, पिंपलगांव जोगा वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, लाइव स्टोरेज स्थिति 0%. मानिक दो वन ऑफ द बिगेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, लाइव स्टोरेज 4%. जिम्बे वन ऑफ द बिगेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, 6% लाइव स्टोरेज. खड़क वाला वरसगांव वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, स्टोरेज प्रोजेक्ट 0%.
SAS command 1%, Bhor project 0%, Gundrauni project 10%, Neera Devgar 2%, Bahadgar 3%, Veer 0%, Ujni, it's the second largest, third largest project in the Maharashtra, 0%. तो सभी रीजन के सभी आंकड़े देखने के बाद एक बात सामने आ गई है कि आज रिजर्वायर में पानी की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है और यही स्थिति पैदा कंटिन्यू रहेगी. बारिश में कोई मानसून में सुधार नहीं होगा तो सबसे बड़ी समस्या ड्रिंकिंग वाटर से शुरू होने वाली है और इसलिए इस स्थिति का हमें गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है. कहते हैं कि जहाँ तक IMG का रिपोर्ट है उन्होंने जो कुछ बातें सामने रखी है इससे शायद परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है, इस तरह की उनकी सूचना है. हमारे कुछ साथियों ने यहाँ कहा गया कि IMG के रिपोर्ट के बारे में एक साशंकता लोगों के मन में है. वैसे मेरे कई सालों का अनुभव ये है कि IMG के जो रिपोर्ट है वो सत्य से बहुत दूर नहीं होते. 2-4% इधर उधर कोई फर्क पड़ता है मगर बाय एंड लार्ज उनके रिपोर्ट हमें एक अच्छी तरह की दिशा दिखाई देते हैं और इसलिए आज भी वो कहना चाहते हैं कि इसमें सुधार होने की संभावना है तो शायद परिस्थिति में सुधार हो सकता है और सुधार हो जाएगी तो शायद परिस्थिति में बदलाव आ सकता है. आज हमें कुछ ना कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है कि हमें कुछ ना कुछ तैयारी करने की आवश्यकता है. मुझे विश्वास है कि कृषि मंत्रालय में जिन जिलों में परिस्थिति पैदा हुई है या हर जिले के डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार किए होंगे और उस डिस्ट्रिक्ट प्लान में क्या कदम उठाने की आवश्यकता है इसकी शायद तैयारी की होगी राज्य सरकार को विश्वास में लेकर. परिस्थिति में थोड़ा बदलाव आएगा तो हम यह बुआई सेकंड टाइम भी कर सकते हैं क्या, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है. इसके लिए शायद सीड की ज़्यादा बीज की आवश्यकता ज़्यादा होगी. वो इसका स्टॉक हर स्टेट में कहाँ तक है, जहाँ कमी है वहाँ हम दे सकते हैं क्या, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा. साथ साथ रबी में हमारी परिस्थिति में कोई बदलाव आएगा, मानसून में कुछ सुधार आएगा तो रबी का क्षेत्र हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी भी तैयारी अभी से करनी चाहिए और जो खरीफ में हमें शॉर्टफॉल हो जाएगा इसकी भरपाई हम रबी में कर सकते हैं क्या या समर क्रॉप इसमें कर सकते हैं का, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा, इसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी. पिछले कई सालों में अपने देश में राज्य सरकार के सहयोग से कोई अच्छे कदम कृषि क्षेत्र में उठाए गए हैं. उत्पादन बढ़ा, जहाँ तक अनाज की स्थिति है मुझे विश्वास है कि हमारे सब भंडार भरे हुए होंगे, अनाज की कमी आज देश में नहीं है. आज देश की जरूरत हम पूरी कर सकते हैं, दुनिया को हम अनाज भेजते हैं. आज इंटरनेशनल ग्रेन मार्केट पे हिंदुस्तान एक महत्व का देश बना है. दुनिया में इस साल चावल के एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान एक नंबर का देश हो गया, गेहूं के एक्सपोर्ट में भारत 2 नंबर का देश बना है, चीनी के एक्सपोर्ट में दुनिया में भारत का नंबर 2 हुआ है. तो कई ऐसे आइटम हैं कि जहाँ हिंदुस्तान के किसानों का योगदान बहुत है, राज्य सरकार का भी सहयोग इसमें बहुत है. और एक समय ऐसा था कि देश में कुछ कई राज्यों में अनाज की स्थिति हमेशा अच्छी होती थी और कई राज्यों में अनाज के उत्पादन की स्थिति अच्छी नहीं थी. हम जब अनाज की उत्पादन के बारे में सोचते थे तो हमेशा हमारे सामने पंजाब हरियाणा का नाम आता था. ये बात सच है कि पंजाब का योगदान बहुत है,
हरियाणा का योगदान बहुत है, वेस्टर्न यूपी का योगदान बहुत है, आंध्र का धान के क्षेत्र में योगदान बहुत है। वह स्थिति में जो बदलाव आया है वो बदलाव अच्छा बदलाव है कि कई नई राज्य आज हमारे सामने आई है और वो देश के भंडार में योगदान देने के लिए पंजाब या हरियाणा के साथ साथ खड़े रहने के लिए तैयार हो गए। छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट एक जमाने में पिछड़ा हुआ स्टेट था, मगर आज धान के उत्पादन में और नेशनल किटी जो है देश का जो भंडार है, इस भंडार में राइस देने में आज छत्तीसगढ़ आगे आ गया है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा ने ये काम किया, वेस्ट बंगाल ने ये काम किया है। गेहूँ हमारे एक हमेशा हम सोचते थे कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र होता है, वेस्ट यूपी में होता है, मगर आज मध्य प्रदेश ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और देश के भंडार में गेहूं का सप्लाई करने में मध्य प्रदेश के वहाँ के किसानों ने और वहाँ के राज्य सरकार ने अच्छा काम किया, इसलिए परिस्थिति में बदलाव आ गया। तो कई राज्यों में अच्छा काम हुआ है, मगर इन राज्यों में पानी की कम हो और इसका असर वहाँ के किसानों पर हो तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा होगी कि जिन्होंने देश की भूख की समस्या हल करने के लिए बहुत योगदान दिया, वहाँ ऐसे परिस्थिति में वहाँ के किसानों को मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। भारत ने बहुत अच्छा दूसरा काम किया है, हिंदुस्तान के किसानों ने, राज्य सरकारों ने, भारत सरकार की नीति के माध्यम से बागवानी मिशन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, एम्बिशियस प्रोग्राम हाथ में पिछले कई सालों में लिया। हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल क्षेत्रों में आज उत्पादन के लिए हिंदुस्तान दुनिया में 2 नंबर का देश हुआ है। जब कोई एक फसल एक साल का खराब होता है इससे किसानों को बहुत कीमत देनी पड़ती है, मगर एक साल का फसल देखिए और दूसरी तरफ कोई बगीचा हो, चाहे अंगूर का हो, चाहे संतरा का हो, चाहे मौसम्बी का हो, चाहे अमरूद का हो, चाहे आम का हो, मानसून की खराबी से उसका नुकसान होता है, इसकी ज़बरदस्त कीमत किसानों को देनी पड़ती है। और इसलिए मुझे याद है कि 2-3 साल पहले ऐसी परिस्थिति जब पैदा हुई थी तब ये बगीचे बचाने के लिए एक स्पेशल कैंपेन भारत सरकार के माध्यम से की थी, राज्य सरकार के सहयोग से। मुझे लगता है कि जिन राज्यों में हॉर्टिकल्चर का प्रोग्राम बहुत बड़ा किया है, इन राज्यों में वो बचाने के लिए कोई एक अलग कदम उठाने की आवश्यकता, उनको ज़्यादा मदद देने के लिए हमें कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। इस परिस्थिति से आज नहीं कल हम बाहर निकलेंगे, किसानों को अपने पैरों पर फिर हमें खड़े करना है, इसमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। कई किसान ऐसे हो गए कि उन्होंने क्रॉप लोन के बारे में कुछ सहायता बैंकों से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से ली होगी, सोइंग ऑपरेशन उनका पूरा हुआ, जो क्रॉप लोन के लिए जो पैसे लिए थे वो पैसे इसमें ख़त्म हुए और फसल हाथ में नहीं आया, वो किसान की परिस्थिति खराब हो जाएगी, वो डिफॉल्टर बनेगा और उनका नया कर्जा मिलने का रास्ता बंद हो जाएगा। अभी से हमने नाबार्ड के माध्यम से सभी बैंकों को, सभी कोऑपरेटिव बैंकों को हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि हम ऐसे किसानों को रिहैबिलिटेशन करने के बारे में किस तरह से कदम उठा सकते हैं, रीशेड्यूलमेंट ऑफ देयर लोन इस बारे में हम किस तरह से कदम उठा सकते हैं, और साथ साथ उनको जो इंटरेस्ट है इसमें उनको हम क्या सुविधा दे सकते हैं, इसकी तैयारी चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो या नेशनलाइज एंड अदर बैंक हो, सभी को सूचना देकर करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज परिस्थिति खराब है मगर कल बारिश की स्थिति सुधार हो जाएगी तो इन किसानों को फिर इसी क्षेत्र में जाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और जब पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तब उनका डिफॉल्ट निकलने के लिए ये रिहैबिलिटेशन के बारे में, रीशेड्यूलमेंट के बारे में कुछ ना कुछ कदम करना वहाँ उठाने होगा और इस बारे में हमें ध्यान जल्दी देना पड़ेगा।
मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है इसका सामना करना इतना आसान बात नहीं, हम मिलकर इसमें सामना करने की तैयारी करें, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो उनको सबको हमने मोटिवेट करने की तैयारी रखी, राज्य सरकार को पूरी तरह से विश्वास में लिया, भारत सरकार इस परिस्थिति की बड़ी गंभीरता से नोट लेती है, ये बात हमने देशवासियों के सामने और इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के सामने की, किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए हमने ध्यान दिया, तो मुझे विश्वास है कि इस परिस्थिति से भी हम बाहर निकलेंगे। राजनीति होती है मगर जब पूरे देश के सामने और देश को मदद करने वाला, देश की भूख की समस्या हल करने वाला किसान जब संकट में आता है, तो मुझे लगता है कि हम बाकी राजनीतिक मतभेद दूर रख के मिलकर ये परिस्थिति का कैसा सामना कर सकते, इस पर ध्यान देना होगा। और मुझे विश्वास है कि सदन इस काम के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार के जो जो कोई कदम उठाने की तैयारी रहेगी उनको सहयोग देने के लिए ये सदन के सभी सदस्यों के उनको सहयोग मिलेगा, यही विश्वास मैं दिलाता हूँ। और जो स्थिति आ गई ये इससे भी हम आगे जा सकते हैं, इससे भी हम बाहर निकल सकते हैं और इससे भी कुछ अच्छे अच्छी परिस्थिति हम पैदा कर सकते हैं, मुझे इसका विश्वास है। मैं कृषि मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन का जब शुरुआत की थी 50 साल पहले की बात है, और मेरा क्षेत्र सूखे का क्षेत्र है, वहाँ हमेशा बारिश कम होती है, और मुझे याद है कि मैं कॉलेज से बाहर आ गया और तब इस क्षेत्र में मैं काम करता था और मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या सूखे की आ गई, पानी की कमी की समस्या हो गई। और उस जमाने में यह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस की है FAO, उनकी एक योजना थी कि जो सूखे में फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने के लिए वो मुफ्त में गेहूँ देते थे, और इस स्कीम का नाम था फूड फॉर हंगर। मैंने इनसे बात की, ये FAO के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए मैं देश के बाहर भी गया, इटली में जाकर, जिनेवा में जाकर उनके साथ बातचीत की, रोम में जाकर उनसे बातचीत की, और उनके सामने मैंने ये बात कही कि आप ये फूड फॉर हंगर है ये बदलिए और फूड फॉर वर्क स्कीम शुरू करने के लिए कोशिश करेगी, और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो आप फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुफ्त, वो मुफ्त मत दीजिए, जो लोग पानी का संचय करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन करने के लिए गांव में काम करते हैं उनको आप अनाज दे दो। उन्होंने ट्रायल बेसिस पर इसमें एक सहयोग देने की तैयारी, और मुझे एक बात की खुशी है कि 3 साल में 300 छोटे इरीगेशन टैंक हम लोगों ने बनाए, और पिछले अभी अगले 3 साल के बाद शायद मुझे पार्लियामेंट और असेंबली में आने के लिए 3 साल के बाद 50 साल पूरे हो जाएंगे। ये 50 साल पूरे होने की जो परिस्थिति है इसमें सूखे के क्षेत्र में जो काम तब किया इसकी एक राजनीतिक ताकत मुझे आज तक मिली है, और इसलिए कृषि मंत्री जी और उनके साथियों के सामने आज जो एक गंभीर समस्या है, इस समस्या को हल करने के लिए आप ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा मेहनत देंगे करेंगे, राज्य सरकार को सहयोग देंगे, किसानों का हौसला बढ़ेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आपको भी अगले 30-40 साल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप इसमें ध्यान दीजिए, हम सबका सहयोग इस काम में आपको होगा।